Hello and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहन अदीम and we're back with another episode with all the highlights and all the updates that we're going to discuss because trust me, there's a lot that we need to talk about. Of course, different updates आती रहती है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर and it's hard to sometimes keep up with everything. But here we are with another episode of Cricket on Loop. मेरे साथ मौजूद है none other than मजर अरशद. Hi मजर, welcome to another episode of Cricket on Loop. How are you doing? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरोहा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कि आप कैसी हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और लाहौर की सर्दी को आप काफी एंजॉय कर रही हैं। Well, I have my favorite hoodie on and it's really really cold. बहुत ठंड है. आदत नहीं है लाहौर में इतनी सर्दी की. But as I said, पाकिस्तान क्रिकेट कीपिंग अस ऑल ऑन आवर टोज लाइक ऑलवेज. और मज़र, अभी फिलहाल बिफोर वी गेट इनटू द एनालिसिस फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, देर आर ऑलवेज सो मेनी कंट्रोवर्सीज स्कैंडल्स सराउंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट. अभी रिसेंटली एक और मसला बना हुआ है. रिसेंट तो नहीं, खैर बड़े बड़े सालों से ही ये मसला चल रहा है विद रिगार्ड्स टू प्लेयर्स एंड द बोर्ड इशूइंग देम एनओसीज टू प्ले इन डिफरेंट लीग्स. जब कुछ अर्सा पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा वो मसला बना था और थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट वगैरह हो रहा था कहीं ना कहीं, तो ये पॉइंट भी सामने आया, ये मुद्दा भी सामने आया कि कितने एनओसीज दिए जाएंगे पर ईयर. देयर सो मच डिबेट गोइंग अराउंड. और अभी रिसेंटली पहले हारिस रऊफ का इशू बना विद द मेलबर्न स्टार्स एंड नाउ इट्स मोहम्मद हारिस हु हैज नॉट बीन इशूड an NOC for the Bangladesh Premier League. But what do you make of all of this, considering that you keep a close eye on everything that's going on in Pakistan cricket? Do you think ये justified है, ये जो PCB की तरफ से एक controlled restrictions आ रही हैं? What is your take on this whole NOC issue? देखिए रोहा, सबसे पहले तो उसमें यह है कि जो प्लेयर्स जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उनको उसको ऑनर करना है। अब जो भी है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि जी दो होने चाहिए या तीन होनी चाहिए, वो आई थिंक के जो टॉपिक है वो रेलिवेंट है अभी। लेकिन अगर तो प्लेयर्स ने साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के भाई हम ठीक है, आप हमें कम अज कम दो अलाउ करेंगे, तो देन जो है वो बोर्ड का पूरा राइट है कि वो आपको कितने एनओसीज उस दौरान दे रहे हैं। तो यही आई थिंक हारिस के ऊपर जो है वो यही इशू हुआ था कि वो उनकी जो दो लीग्स थी, ये जो जुलाई टू जुलाई का जो पीरियड होता है वो कंप्लीट हो गई थी, जिस तरह वो खेले थे कनाडा लीग में, और उसके अलावा जो है उन्होंने आई थिंक LPL खेली थी। तो अब इशू ये है कि उनकी तो दो लीग्स हो गई थी पूरी, लेकिन थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी की वजह से जो है ना शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्योंकि ऑन द अदर हैंड समबडी लाइक शादाब जो हैं, उनकी अभी IL T20 जो है वो तीसरी लीग हो जाएगी, तो अब वो उसको कैसे जो है वो लिया जा रहा है, मेरे पास मुझे उसका नहीं पता। बट आई थिंक कि जो भी आपके डिसीजंस होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये जो NOCs का मसला है, ये हमेशा कोई जब से ये T20 क्रिकेट आई है, पिछले जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है कोई 11-12 साल हो गए हैं। जो मेरी फर्स्ट मेमोरी है NOC के इश्यूज की वो 2011-12 के आसपास शाहिद आफरीदी और उमर अकमल का इशू हुआ था, दे वांटेड टू गो टू प्ले द बिग बैश लीग। और उसके बाद हमने बाद में भी देखा, जब आज से अगर आप 3-4 साल पहले चले जाएं 2019 में, मोहम्मद हफीज जो हैं वो CPL में थे और उनको जो है वो जल्दी बुला लिया गया फॉर पाकिस्तान कैंप, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने आना था। लेकिन उसी सीजन में इमाद वसीम को जो है वो फाइनल तक अलाउ किया गया। तो आई थिंक ये जो मतलब कि डिफरेंट जो डिसीजंस होते हैं फॉर डिफरेंट प्लेयर्स, उससे जो है वो शायद कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जो कि आइडियली नहीं होनी चाहिए। बट आई थिंक प्लेयर्स को भी थोड़ा चाहिए कि जब उन्होंने ये कमिटमेंट की हुई है कि हम जो है वो दो लीग्स खेलेंगे एक साल में आउटसाइड ऑफ PSL, तो आई थिंक उसको भी जो है वो उनको जो है साथ साथ देखना होगा। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट. आई थिंक के वंस द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन साइन, बिकॉज इतना अरसा वो चीज भी स्टक रही, राउंड एंड राउंड घूम घूम रहे थे प्लेयर्स भी, बोर्ड भी, जो मैनेजर्स एजेंट्स सारे फंसे हुए थे उसमें. बट आई थिंक द ओनली वे आउट इज ऑफ कोर्स टू ऑनर द कमिटमेंट्स एंड ऑब्वियसली व्हाट यू सेड आल्सो कि इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड सेम चीजें जो है वो सेम रूल्स सेम रेगुलेशंस और बड़ी क्लैरिटी के साथ देने चाहिए सब प्लेयर्स को. बट
नाउ दैट यू नो देयर इज सो मच T20 क्रिकेट बीइंग प्लेड अराउंड द वर्ल्ड, अब हम अगर T20 पे ज्यादा फोकस करें, ऑफ कोर्स द वर्ल्ड कप इज बिहाइंड अस, नाउ देयर इज अनदर वर्ल्ड कप जस्ट अहेड ऑफ अस, द T20 वर्ल्ड कप दैट्स गोना बी हैपनिंग दिस समर, एंड सब नजरें इस वक्त T20 फॉर्मेट के ऊपर है. सब प्लेयर्स चाहेंगे कि वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस गेन करें इंटरनेशनल T20 मैचेस में भी, एंड ऑफ कोर्स अराउंड द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ लीग्स. So let's talk about the recently concluded T20 series between Pakistan and New Zealand. 4-1 ka result, mazal not the ideal one considering we're just few months away from the T20 World Cup. A lot of changes happened in this tour, leadership changes, management changes, or of course, batting order ke bhi kafi changes hai. We saw some newcomers as well. So overall, what do you make of this 4-1 result? Could it have been better? We will go into the in-depth analysis as well, but overall, how do you make this 4-1 result just a few months ahead of the T20 World Cup? देखें, I think बहुत बड़ा concern है for Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान को normally T20 में एक अच्छी team consider किया जाता है, और अगर आप पाकिस्तान की cricket भी देखें तो जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है वो पाकिस्तान का T20 क्रिकेट ही है, और होना भी चाहिए. आपके पास एक दुनिया की बेस्ट लीग है PSL, प्लेयर्स का ज्यादा फोकस जो है वो T20 क्रिकेट में होता है, तो उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आना, स्पेशली कि जबकि आपने लास्ट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल तक गए हैं, तो अब ये ऐसा रिजल्ट आना, ये आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न है. और आई थिंक ये शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने जितनी भी T20 क्रिकेट खेली है अपने हिस्ट्री में, बायलेटरल क्रिकेट, शायद ये पाकिस्तान की वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस थी. आई डोंट थिंक कोई ऐसी सीरीज थी जिसमें कि पाकिस्तान ने इतना जो है वो खराब परफॉर्म किया हो. ठीक है, कोई हो जाता है, 3-0 भी हो जाता है. इंग्लैंड की टीम आई थी UAE में 2015 में, वो भी 3-0 हो गया था, लेकिन थोड़ी सी फाइट थी. पाकिस्तान ने एक मैच को सुपर ओवर तक लेके गया था. यहाँ पे न्यूजीलैंड, जबकि उनकी कोई आप ये भी नहीं कह सकते कि एक बहुत जो है स्ट्रांग टीम है, या उनके जो है वो एक दो प्लेयर्स ने जो है कुछ रेस्ट भी किया, तो आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न है. टैक्टिकली जो पाकिस्तान के जो डिसीजन थे इस पूरी सीरीज के अंदर, मतलब के बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर को ब्रेक करने का मकसद ही ये था कि आपने पावर प्ले को जो है वो यूटिलाइज करना है, थोड़ा तेज रन करने हैं, लेकिन हमने देखा ऑलमोस्ट हर मैच में वो दोनों साथ जो है वो पावर प्ले में बैटिंग कर रहे होते थे. तो अगर तो आपने दोबारा ही उनको पावर प्ले में बैटिंग करवानी थी, तो फिर वो ओपनिंग पेयर को ब्रेक करने का कोई मकसद जो है समझ नहीं आता. इससे तो बेहतर था कि वो दोनों ओपन ही करते रहते. तो आई थिंक एक तो ये था, फिर उसके अलावा 5-6 ओपनर्स के साथ गए हैं, आपके जो ओपनर्स हैं वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं. फखर जमान जो कि इंपैक्ट परफॉर्मर है, उनको जो है वो नीचे जब आते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने आते साथ ही अटैक करना है, 15-20 बॉल से ज्यादा उनका टेम्परामेंट वो फिर नहीं बनता. देन आप देखें कि हसीबुल्ला जो कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो ओपन कर रहे हैं, और जो ओपनर है साहिब दत्ता फरहान वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं. इफ्तिखार ने सिर्फ आखिरी मैच में जाके बॉलिंग की. तो आई थिंक टेक्टिकली जो है ना वो पाकिस्तान ने काफी सरप्राइजिंग डिसीजंस किए, और एक वर्ल्ड कप से पहले जो है वो ये परफॉर्मेंस आना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर पाकिस्तान. अच्छा, कैप्टेंसी के ऊपर, क्योंकि अब जाहिर है ये टैक्टिकल चेंजेस कोई ना कोई तो अप्लाई कर रहा है, जितना शाहीन का यू नो इन्फ्लुएंस है टीम के ऊपर, यू नो ही सच, उसकी इक्वेशन हर प्लेयर के साथ बड़ी जबरदस्त है, खास तौर पे बॉलिंग के. ऑफ कोर्स जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर से वो एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं कैप्टेंसी का. हाउ डिड यू सी हिम लीडिंग दिस साइड? नॉट द मोस्ट इजी टूर फॉर द फर्स्ट, like the first captaincy experience for him at international level. So, us hisab se, are you impressed? What promises did Shaheen show as a captain? Or going forward, kya galtiyan hain is tour pe jisse wo seekhenge? Dekhiye, unki first assignment thi with Pakistan. To zyada judge nahi kar sakte aur karna bhi nahi chahiye. Ek young player, yahan bhi ek young captain hai. तो आपने अगर डिसीजन लिया है तो उसको तो आपने बैक करना है, जैसे मर्जी रिजल्ट है. शाहीन शुड बी द कैप्टन फॉर T20 वर्ल्ड कप. मैं मतलब कि थोड़ा सा अगर ओवरबोर्ड जाऊं, इवन इफ पाकिस्तान लूज एवरी गेम बिफोर द वर्ल्ड कप, शाहीन शुड बी द कैप्टन. क्योंकि ये आप ऐसे इस तरह डिसीजन नहीं लेते कि अब आपने इसको बनाया, आप एक सीरीज हार गए हैं, दो सीरीज हार गए हैं, तो अब आप दोबारा कैप्टन चेंज कर दें. बाबर वॉज पाकिस्तान कैप्टन, आई मीन व्हाइट बॉल कैप्टन फॉर लाइक 3-4 years. उसके बाद आपको ये लगा कि आपको एक चेंज लाने की जरूरत है, और शाहीन कोई एकदम से जो है वो आके कैप्टन नहीं बन गए. शाहीन ने लास्ट 2 PSL जो है वो जीती हुई है, एंड इन द PSL हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन. ठीक है, एक उनका अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, आई नो कि जब आप नए आते हैं
कुछ आपको टफ डिसीजंस करने में जो है वो टाइम लगता है, तो इतना जल्दी जो है ना हमें सिचुएशन को रीड नहीं करना चाहिए, शाहीन को बैक करना चाहिए एंड हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव करेंगे. टेक्टिकली जो हमने बात की है, जो फ्लॉज थे उनको ठीक करना है, थोड़े से आपको टफ डिसीजन लेना होंगे. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल बाबर और रिजवान पाकिस्तान के दो सबसे बड़े स्टार्स हैं एंड शाहीन हिमसेल्फ, ये तीन जो है ना वो आप कह लेंगे पाकिस्तान के सबसे तीन बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो ये हैं. तो नॉर्मली जब आप एक सीरीज हार जाते हैं, एक डेड रबर मैच है, आप 4-0 हारे हो या आखिरी मैच है, इन तीनों को तो रेस्ट करना चाहिए था. अगर शाहीन T20 क्रिकेट में रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर तो उनको हर टेस्ट सीरीज में जो है शायद एक आधा टेस्ट मैच जो है वो छोड़ना पड़े, तो उनका वर्कलोड भी आपने मैनेज करना है. तो ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लगा कि आपके जो बेस्ट जो दुनिया पाकिस्तान के जो बेस्ट जो तीन क्रिकेटर्स हैं वो रेस्ट नहीं कर रहे, और जो यंग प्लेयर्स हैं साइम मजूब हो गए, आजम खान हो गए, वो जो है उनको जो है वो मतलब के प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली. तो ये थोड़ी सी चीजें पाकिस्तान को देखनी चाहिए, बट बॉटम लाइन ये है कि शाहीन इज योर कैप्टन और आपने जो है उनको बैक करना है. बिल्कुल। और लेकिन मजा, अब देखें इस सीरीज में शाहीन के लिए ऑब्वियसली नॉट द आइडियल रिजल्ट एज कैप्टन, लेकिन जो कुछ पॉजिटिव्स थे उन्होंने ऑब्वियसली साइम अयूब की काफी तारीफ की और उन्होंने अब्बास अफरीदी को भी, मतलब ये कुछ पॉजिटिव जरूर निकले इवन फॉर हिम एज कैप्टन, यू नो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। तो उसको किस तरह देखते हैं आप कि गोइंग फॉरवर्ड, अभी इस तरह आपने बात की कि यू नो जो प्लेयर्स हैं उनको आपको यू हैव टू गिव देम अ फेयर रन, जिस तरह अभी हमने हसीबुल्लाह को देखा है, फिर हमने साइम अयूब को देखा है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। अब 14 मैचेस रहते हैं हमारे तकरीबन बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, वेयर डू यू सी साइम अयूब प्लेइंग एंड वेयर डू यू सी फखर जमान प्लेइंग एंड एज कैप्टन शाहीन कैसे ये टैकल करेंगे ये सब कुछ, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हीं पे पड़ती है जिम्मेदारी अब। देखिए जैसे रोहा मैंने कहा कि आपको टफ डिसीजंस लेना है. साइम अयूब आप जितना मर्जी कह लें, उनकी आप तारीफ कर लें, उनको आप लिप सर्विस देंगे जी वो अच्छा टैलेंट है, अच्छा उन्होंने खेला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया ना. आप जितना मर्जी उसको बोल देंगे हमने रेस्ट करवाया है, तो मुझे आप ये बताएं कि अगर साइम अयूब ने ये 4 मैचेस में 250 या रन किए होते, क्या तब आप उनको रेस्ट करवाते? कभी भी ना करवाते. आपने उनको ड्रॉप किया है टू ट्राई अनदर यंगस्टर. अगर तो रेस्ट करना था तो फिर तो बाबर या रिजवान में से किसी का रेस्ट बनता था. तो अगर तो आप एक तरफ प्लेयर्स की तारीफ कर रही हैं, साथ 2-3 मैचेस खिला के आप उनको ड्रॉप कर रही हैं. मोहम्मद हारिस के साथ क्या हुआ है? मोहम्मद हारिस हैड अ गुड वर्ल्ड कप, उसके बाद अफगानिस्तान सीरीज उनकी बुरी गई, न्यूजीलैंड सीरीज में उनको एक मैच मिला, 2-3 मैचेस के बाद आपने उनको ड्रॉप कर दिया. आजम खान 3 साल के अंदर आई थिंक आई काउंटेड के 4 या 5 बार जो है पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, और कभी भी जो है वो उनको एक स्ट्रेच में 3 से ज्यादा मैचेस नहीं मिले, आपने उनको भी ड्रॉप कर दिया. तो आई थिंक एक तरफ तो आप मतलब कि कह रही हैं कि हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स नहीं हैं जो कि पावर हिटिंग कर सकते हैं, छक्के मार सकते हैं, जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब कोई प्लेयर आता है तो आपका पेशेंस जो है वो 2-3 मैचेस के बाद खत्म हो जाता है. तो अब आपने आजम को भी ड्रॉप कर दिया. आई डोंट नो कि अगली सीरीज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये PSL स्टार्ट होगी उसमें मे भी कोई नया पावर हिटर आपके सामने आ जाए, खुशदिल शाह की अच्छी परफॉर्मेंस हो या कोई आसिफ अली हो सकता है दोबारा फॉर्म में आ जाए, तो आप उनको लेकर आएंगे, फिर आप उनको भी ड्रॉप कर देंगे. तो जो पाकिस्तान का जो मसला है पावर हिटिंग का, वो कभी भी हल नहीं हो सकता जब तक आप प्लेयर्स को लंबा स्ट्रेच नहीं देंगे. और लंबे स्ट्रेच का मतलब एक सीरीज नहीं है, 2 सीरीज नहीं है, ये 1-2 साल की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर वो कोई 15-20 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट डिफरेंट ओपोनेंट्स, अगेंस्ट डिफरेंट सिनेरियोस और डिफरेंट कंडीशंस में जो है, तब आपको आइडिया होता है कि ये जो प्लेयर है वो हमारे साथ जो है वो रह सकता है कि नहीं. लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जल्दी से प्लेयर जो है वो टीम में आ जाता है 1-2 परफॉर्मेंसेस के बाद, तो वो फिर जल्दी से ड्रॉप भी हो जाता है. तो ये आई थिंक जब तक ये बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी नहीं बिल्कुल आएगी पाकिस्तान के अंदर, आपके पावर हिटिंग के मसले जो है वो कभी भी हल नहीं होंगे. और थोड़ा सा ये भी लोगों को समझना होगा, लोग देखते हैं कि जी रन तो बाबर रिजवान कर रहे हैं, भाई वो इस वजह से है कि आपकी जो ग्रोथ है मिडल ऑर्डर की वो रुकी हुई है पिछले 2-3 सालों से. आपके जो ओपनर्स हैं वो रन करते हैं, वो लंबी बारी लेते हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको उस तरीके से आप जितना मर्जी कह लेंगे जी इनकी बारी 10वें ओवर में आ रही है या इनको भी 8 ओवर्स मिले थे बैटिंग करने के, जब तक वो कंसिस्टेंटली उनको मौके नहीं मिलेंगे तो वो अपने आप को नहीं जस्टिफाई कर सकेंगे. क्योंकि इस टाइम मिडल ऑर्डर में जो भी पाकिस्तान का प्लेयर आता है उसका काम होता है आते साथ ही हिटिंग करो, दूसरे एंड से जो है वो बिल्कुल हिटिंग नहीं हो रही होती, और जो बंदा हिटिंग करके आउट हो जाता है सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाता है. तो ये आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान को जो है ना वो देखना है.
बिल्कुल, आई थिंक आजम खान ही इसमें एक नाम वो नजर आ रहा है इस वक्त जिसको पाकिस्तान अगर देख रहा है वर्ल्ड कप के लिए, देन ही हैज टू बी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग 14 मैचेस. वी कांट जस्ट यू नो वो पिक एंड चूज प्लेयर्स. और ऑफ कोर्स वो पीएसएल वाली बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि द मोमेंट पीएसएल विल फिनिश आई एम श्योर देयर विल बी न्यू नेम्स दैट विल राइज अप एज वेल, बट वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी डोंट हैव टू मेक एनी यू नो रैश डिसीजंस बिकॉज इट इज द वर्ल्ड कप आफ्टर ऑल. एंड मजर इफ ऑब्वियसली T20 को साइड पे रखे अगर हम ओवरऑल एक होलिस्टिकली देखें पाकिस्तान क्रिकेट को इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, यू नो स्पेशली सिंस दैट रिजर्व डे अगेंस्ट इंडिया जिसमें यू नो वी सॉ के फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स एक एक ग्रेजुअल डाउनफॉल शुरू हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की. यू नो 21 गेम्स वी प्लेड एंड ओनली मैनेज विन 6 गेम्स, एंड ऑफकोर्स दिस इंक्लूड्स द वर्ल्ड कप एज वेल. नॉट द वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज प्लेड, यू नो जिस तरह हमें आदत है उनको कि दे ऑलवेज सीम टू फाइट बैक, दे ऑलवेज सीम टू री इन्वेंट देमसेल्व्स, बट रिसेंटली ये नहीं हो पा रहा है. पहले बात हुई कि लीडरशिप का मसला है, मे बी बाबर आजम इज द प्रॉब्लम, मे बी देर वर अदर प्लेयर्स इन द टीम, इट वॉज द कोच हु वॉज द प्रॉब्लम, देर वर सो मेनी डिबेट्स अराउंड द टीम. लेकिन अभी फिलहाल नंबर वन मसला सामने आ रहा था स्पेशली एशिया कप के बाद, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, वो ये था कि नसीम शाह भी अब जो है वो फिट नहीं है, उनपे भी काफी रिलाय, उनपे हारिस पे शाहीन पे काफी रिलाय किया जा रहा था. अब नाउ दैट नसीम शाह इज स्टिल नॉट फुली फिट, ही इज नॉट यू नो इन द टीम राइट नाउ, वर्ल्ड कप अभी कुछ महीने दूर है, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज लैकिंग एंड हाउ डू वी फिल दैट वॉइड कंसिडरिंग कि हमने सिर्फ 21 में से 6 मैचेस जीते हैं एशिया कप से, और ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है क्योंकि हम यूज टू नहीं है T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को इतना स्ट्रगल करते हुए देखने. तो ओवरऑल क्या कहेंगे आप ये जो इश्यूज नजर आ रहे हैं स्पेशली नसीम शाह के एब्सेंस के बाद? देखिए, जो आपने 6 मैचेस भी बताए हैं वो भी कोई इतने खास मैचेस नहीं थे. मतलब कि एक अभी जिस तरह ये डेड रबर मैच था न्यूजीलैंड वाला एक मैच, ये आप जीत गए. वर्ल्ड कप में आपने लो रैंक टीम्स को जो है वो हराया है. तो आई थिंक के जैसे आपने कहा कि वो जो रिजर्व डे था, आई थिंक वो काफी जो है पाकिस्तान के लिए महंगा साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही जो है ये सारा कुछ, आई मीन आप उस डे को ब्लेम नहीं कर सकते, बट वो एक पॉइंट था कि जिसके बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो काफी नीचे गई. जिस तरह आप नसीम शाह को बताया, आई थिंक बहुत बड़ा लॉस है वो पाकिस्तान के लिए. हमने तो वर्ल्ड कप में भी इस चीज के ऊपर बात की थी कि क्योंकि वो नया बॉल भी करते हैं और एंड के ओवर्स भी करते हैं. तो T20 क्रिकेट में आप अभी देखेंगे आपके पास नए बॉल का कोई बॉलर ही नहीं था, तो कभी आप हारिस से जो है वो करवा रहे हैं, कभी आप किसी और से करवा रहे हैं. तो वो नसीम का तो आपके सामने ही है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है. देन इमाद वसीम, आई थिंक ही इज समबडी हु शुड बी इन योर T20 टीम, एंड ही इज एक्चुअली समबडी हु कैन सॉल्व योर पावर हिटिंग प्रॉब्लम्स एज वेल. आप जो बात कर रहे हैं कि मिडल ऑर्डर में हमारे पास बैटर्स नहीं है, वो जो एक बैटर है जो रन कर रहा था, आप अगर पिछला एक साल उठा के देखें, 1.5 साल, इमाद की ऐसे बैटर जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं. वो तो आपके 5 के ऊपर बैटिंग कर सकते हैं T20 टीम में, और आगे जहां पे वर्ल्ड कप है उन कंडीशंस को तो इमाद से बेहतर कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि वो हर साल वहां पे जो है वो CPL खेलते हैं और हमेशा उनका सक्सेसफुल सीजन जाता है. एंड देन शादाब भी इंजर्ड थे. तो आई थिंक ये जो 2-3 प्लेयर्स हैं, शादाब का ना होना, इमाद का ना होना, नसीम शाह का ना होना, इन 3 प्लेयर्स से भी जो है वो पाकिस्तान का ये भी एक फैक्टर था कि पाकिस्तान ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. और दूसरा, थोड़ा सा लोगों को, अवाम को चाहिए कि थोड़ा अपनी याददाश्त को जो है वो अब जरा थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करें कि जब शादाब खान टीम में आता है तो वो सबसे बुरा प्लेयर लग रहा होता है, क्योंकि जी स्पिन नहीं कर रहा, टर्न नहीं कर रहा, छक्के खा रहा है. आप उनके रिप्लेसमेंट्स देख लें फिर अब, और ये वो रिप्लेसमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 साल से परफॉर्म कर कर आ रही हैं. ऐसा नहीं है कि आप उनको एकदम से जो है वो टीम के अंदर ले रहे हैं. तो आई थिंक के आपके जो प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, उनकी आप जो है उनको रिगार्ड करना होगा. मुझे याद पड़ता है नसीम शाह के ऊपर जो है लोगों ने काफी बातें की थी कि जी वो विकेट्स नहीं ले रहा, उसकी 40 की एवरेज है, लेकिन आप ये पॉइंट भूल जाते हैं कि वो 7 की इकोनॉमी के ऊपर बॉलिंग कर रहा है. दुनिया में जहां पे एक रन रेट 10 का पहुंच गया है, अगर एक बॉलर आपको 7 के ऊपर बॉलिंग करके दे रहा है तो इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. तो आई थिंक इन 3 प्लेयर्स को जो है, आई डोंट नो कि इमाद वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन ये शादाब और नसीम, और अगर इमाद आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम में, और अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा रीजनेबल करें, बाबर रिजवान पाकिस्तान के हीरोज हैं, लेजेंड्स हैं, उनका टीम में होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने कसम खाई हुई है कि हमने इन दोनों को साथ में बारी जो है वो देनी है, तो आपका मसला हल नहीं होगा.
आप जितने मर्जी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर लें, जब तक आपके दो एंकर्स पावर प्ले में खेल रहे हैं या उनमें से एक अगर लंबी बारी ले रहा है, तो आपकी ना मिडल ऑर्डर की ग्रोथ होगी, ना आपके ऊपर आपकी T20 में उतने रन होंगे जितने कि आपको चाहिए होते हैं। तो आई थिंक ये दो तीन मसले अगर पाकिस्तान ठीक करे तो दे कैन बी अ वेरी गुड टीम। बिल्कुल, आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हो ये है कि जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, इट्स नॉट अ रिसोर्स इशू, इट्स अ सिलेक्शन इशू, व्हिच आई थिंक उसको सिलेक्शन उस एंड तरह से डील करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी। या वेल, 14 गेम्स टू गो बिफोर द वर्ल्ड कप। हम हर वर्ल्ड कप से पहले बात करते हैं बड़ा डिटेल में, ऑफ कोर्स, पर हर टूर्नामेंट से पहले स्ट्रेटजीज बनती हैं, सिलेक्शंस होती हैं। बट देखना ये होगा कि अब जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, ऑफ कोर्स इमाद वसीम नीड्स नो जस्टिफिकेशन व्हेन इट कम्स टू हिज स्टैट्स इन T20 फॉर्मेट, बट देर आर सम पीपल हु आर स्टिल स्टक ऑन द सेम ओल्ड नेम्स के यू नो मिडिल ऑर्डर पे। कुछ अभी भी शुएब मलिक के लिए भी रूट कर रहे हैं, उनको भी टीम में लाया जाए, वो भी कितने जबरदस्त वेटरन है T20 के। बट आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि वी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड rather than backward, and of course उस लिहाज से जो है हमारे पास जो टैलेंट आएगा अभी आगे, और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग टैलेंट है, जिस तरह आजम की आपने बात की, उनका भी काफी एक्सपीरियंस है CPL खेलने का। ऑफ कोर्स ही उनको इस टूर में शामिल ही इसलिए किया गया होगा आगे का देख के, बिकॉज ही हैज सो मच एक्सपीरियंस प्लेइंग इन द CPL एज वेल, ही इज फेमिलियर विद द कंडीशंस। बट अ कंसिस्टेंट रन इज इंपॉर्टेंट मजर, आई थिंक That's the crux of the analysis today. But chale, let's move on to something a bit more hopeful. Agar hum youth ki aur future ki baat kar hi rahe hain, to is waqt you know ek aur part of the world mein under 19 World Cup chal raha hai. Pakistan ka bada zabardast start bhi hua World Cup mein. Ek century bhi hame dekhne ko mili from our young opener Shahzeb Khan. Bada zabardast unhone century ki. Isse pehle bhi unhone ek century ki hui hai internationals mein. So Mazhar, how do you make this youthful side under 19 taking on the first match Afghanistan ke against hua, second match abhi hoga against Nepal, but from what you saw kuch na kuch hopeful zarur hota hua nazar aa raha hai, what do you make of this side? देखिए पाकिस्तान की अंडर 19 साइड की जो एक जो बड़ी अच्छी बात है और वो थोड़ा सा सरप्राइज भी है कि प्लेयर्स के अंदर जो है ना वो लंबी इनिंग्स खेलने की स्किल जो है वो है। मतलब कि नॉर्मली अंडर 19 लेवल के ऊपर आप मोस्टली अपनी बॉलिंग से मैचेस जीते हैं, क्योंकि बॉलिंग अगर रॉ फॉर्म के अंदर भी हो ना तो वो इफेक्टिव हो जाती है, आप विकेट्स लेके मैच जीत जाते हैं। लेकिन यंग बैटर का लंबी बारी लेना ये बहुत रेयर होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। जो ये जो स्किल है वो इस लेवल के ऊपर जो है वो थोड़ा सा आप इसी वजह से आप देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अंडर 19 क्रिकेट के अंदर जो है वो 350 रन जो है वो रेगुलरली हो रहे हो या 400 रन जो है वो रेगुलरली हो रहे हो, लंबी नहीं जो लंबे टोटल्स होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, सिर्फ मैं इस मैच की बेस के ऊपर नहीं कह रहा, शाहजेब खान बहुत जबरदस्त बैट्समैन है मानसेरा से, और उन्होंने भी हमें एक इंटरव्यू भी दिया था जाने से पहले, तो वो तो कहते हैं कि मानसेरा से सिर्फ एक ही प्लेयर आया है और वो शाहजेब खान है। वो मानते ही नहीं है कि हारिस रऊफ और जो अबरार हैं वो मानसेरा के हैं, क्योंकि वो यंग एज में जो है दूसरे शहरों में चले गए थे। तो एक तो बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है शाहजेब, तो वो रन भी उन्होंने करके दिखा दिए हैं। इसी तरह जो इससे पहले एशिया कप हुआ था आप देखें, उसमें भी पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट एक लंबा टोटल करके मैच जीता था। तो ये प्लेयर्स में अच्छी बात ये है कि ये प्लेयर्स को लंबी इनिंग्स खेलने का शौक है, थोड़ी स्किल भी है। ऑब्वियसली रिसेंटली पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अंडर 19 क्रिकेट खेली, उसने भी हेल्प की होगी, देन पीजेल हुई उसने भी हेल्प की। तो आई थिंक के पाकिस्तान की जो टीम है अगर आप इनकी बॉलिंग भी देखें, मोहम्मद जिशान है, बड़े लंबे फास्ट बॉलर हैं और काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो उबैद शाह नसीम शाह के भाई हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो बॉलिंग भी सॉर्टेड है। स्पिनर में जो है अराफात मिनहास हैं, बैटिंग में आप देखें साद बेग हैं, शाहजेब खान हैं, तो आई थिंक काफी पाकिस्तान के एरियाज कवर्ड हैं। तो आई वांट बी सरप्राइज्ड एक्चुअली अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप भी जीते। बिल्कुल, और इन प्लेयर्स का नाम ऑफ कोर्स हम काफी अरसे से पढ़ रहे हैं सर्किट में, पाथवे प्रोग्राम से ये आए हैं, PGL भी खेले हैं, और PGL के ऊपर भी काफी लोगों ने ये भी सवाल उठाया था जो क्रिटिक्स थे कि यू नो आप यंग प्लेयर्स को किस तरह के स्किल्स में ट्रेन कर रहे हैं, यू नो यू टीचिंग देम हाउ टू स्लॉग, यू टीचिंग देम यू नो यू नॉट टीचिंग देम टेक्स्टबुक क्रिकेट, आप पावर हिटिंग सिखा रहे हैं, उस पर बहुत फोकस रहा। ऑफकोर्स इस वक्त जो टीम डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज, उनका भी काफी ये एक स्टांस रहा अगेंस्ट
PJL. तो अगर हम जब आप ये लंबी इनिंग्स खेलने की बात करते हैं, when we see knocks like Shazib Khan, and of course captain जो है साद बेग, वो भी middle orders में, middle overs में score करते हैं, तो I think यहाँ पे ये एक अच्छा जवाब है to all the critics. Right, a lot of hopes from this under 19 side. So we wish them all the best, and we really hope कि आगे भी वो अपनी ये winning streak continue रखें इस tournament में, and we won't be surprised if we see them go in the top. Too, at least, but thank you so much, Mazhar, for joining me for this episode of Cricket on Loop, and thank you all for watching as well. We will be back with more, with lots more. Until then, apna bahut khayal rakhiye. Take care. Goodbye. Hi everyone, this is Rohana Deem. Please subscribe to Cricwick's YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any latest updates and content from us.